अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी जानिब से और हम सब लोगों की कंपनी की जानिब से और तमाम मुतालिका तंजीमों संस्थानों के जरिए से आप तमाम अहले वतन तमाम आलम इस्लाम को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक बार फिर से एक कदम बढ़ाते हुए दोबारा उसी आबोताब के साथ अपने उस कंपनी को जो आप लोगों की चहेती कंपनी, आप लोगों की सूद से पाक कंपनी हुआ करती थी और है अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर से उसी आबोताब के साथ आप लोगों की शफकतों, आप लोगों की मोहब्बतों और आप लोगों की मेहनत और जुस्तुजों के जरिए से फिर से एक बार चालू होने जा रही है। अपडेट के लिए मैं आप तमाम लोगों को बता देना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर, तफसील के तौर पर अगर जानना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से है कि जिस तरह से पहले के वक्त में लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया करते थे और लोगों को माहाना प्रॉफिट आया करता था, एक बार फिर से कंपनी उसी चीज को नाफिज करने जा रही है और उसी चीज की शुरुआत करने जा रही है। लिहाजा लोग ये दरियाफ्त करेंगे कि किस तरह से, कैसे, क्या तफसीलात होंगी। लोगों के अपने इल्म के मुताबिक अलग अलग सवाल भी होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे पास जहां तक लोगों के इस्तफसार आए हैं, लोगों के सवाल आए हैं और लोगों की कंपनी की तरफ रुझान आए हैं, उससे मैं मानता हूं कि एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो कंपनी में एक बार दोबारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिस तरह से पहले कंपनी चला करती थी, लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार मुस्तैद बैठे हुए हैं। ये कंपनी की हकानियत की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी कि उसने जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ये अपील की थी, अपील दायर करते हुए ये कहा था कि हमारे दफ्तरों को ओपन किया जाए, हमारे अकाउंट को ओपन किया जाए, हमें अपने लोगों के लिए तजारत करना है, तजारत करके उनके लोगों के पैसे और उन लोगों के प्रॉफिट और उन लोगों की अमानतों को की देख रेख के लिए तमाम मामलात करने हैं। तो एक बार फिर से ये कंपनी जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज उस डगर पर आ खड़ी है कि एक बार फिर से सूद से पाक तजारत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने एक काफिले को लेकर के उसी तरह से जैसे कि पिछले जमाने के 20-25 साल तक मुसलसल चली है, एक बार फिर से अपने काफिले को लेकर के आगे की तरफ, तरक्की की तरफ रवा दवा हो। इसमें बहुत सारी तफसीलात जानने के लिए बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर वेबसाइट पर तमाम तरह की अपडेट्स आ जाएंगी कि किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अकाउंट नंबर क्या होंगे और कितनी क्वांटिटी में, मिसाल के तौर पर कितने पॉइंट की चीजें होंगी। जैसे पहले 25,000 की एक यूनिट हुआ करती थी, ये सारी चीजें तफसीलात आपको उसी तरह से आ जाएगी। और लोग ये भी सवाल कर सकते हैं कि आया ये प्रॉफिट जो है वो कब हम लोगों को डिक्लेयर हुआ करेगा। तो ये प्रॉफिट जो डिक्लेयर होगा, जैसे पिछले जमाने में, पिछले दिनों में हुआ करता था कि लोगों को जब कोई इन्वेस्टमेंट करता था तो ये महीने इन्वेस्टमेंट के एक कतार में आपकी रकम लग जाया करती थी और अगला जो महीना शुरू होने वाला होता था वो मुकम्मल आपका बिजनेस शेड्यूल के मुताबिक चला करता था। और जब वो महीना बिजनेस में चलता था तो अगले महीने के 1 तारीख से 10 तारीख के दरमियान में वो प्रॉफिट डिक्लेयर हो जाता था। तो सेम उसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो इस बात की तफसीलात आप लोगों को बता देंगे और इस चीज के बारे में समझा देंगे और ये बता देंगे कि किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है और किस तरह से एक बार कंपनी से जुड़ना है। बहुत खुशी के बाद ये बात कहते हुए मैं कह रहा हूं कि मैं कहा करता था कि दुनिया क्या, हिंदुस्तान क्या, दुनिया के तमाम मुल्कों को उठा करके देख लीजिए, इस तरह की कंपनी या कोई भी कंपनी जब एक बार अदालती छानबीन में, अदालती मामलात में जाती है तो वो दोबारा मुड़ करके अपने इन्वेस्टरों को, तो क्या दूर की बात है, अपने कंपनी के दफातर तक नहीं खोल पाती है। आपने देखा कि उसके बरक्स ये कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक बार ये साबित कर दिया कि वो हक पर है और अपनी जोहदे मुसलसल में किसी न किसी तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा मुस्तैद है कि किसी तरह से, कैसे भी करके एक बार फिर से कंपनी को रन किया जाए, उन लोगों की, जिन लोगों की इमदाद हुआ करती थी उनको फिर से इमदाद पहुंचाए और उन लोगों को जो इसके जरिए से अपनी हाजत रवानी का काम किया करते थे, बच्चों की तालीम का काम किया करते थे, लोगों की सेहतियाबी का काम किया करते थे, अपने घरों को बनाते थे, अपने अपने बेटियों और बच्चियों, बच्चों की शादियां करते थे, बहुत सारे मामलात करते थे, लोग जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में मुंसलिक नहीं थे तो लोग बताते हैं कि हम जकात लिया करते थे, लेकिन जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज
में लोग मुंसलिक हुए तो लोगों को बड़े पैमाने पर जकात देने वाले बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर उसी काफिले की शुरुआत की मैं खुशखबरी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। एक शेर के मुताबिक कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। आप लोगों ने देख लिया, आप लोग देख लेंगे और दुनिया भी देख लेगी कि एक बार फिर से वो कंपनी जो सुप्रीम कोर्ट, निचली अदालतें, जिमनी अदालतें और हायर अथॉरिटी जो है वो सब के सब तमाम छानबीन के साथ, तमाम छानबीन के बाद ये एक रुपए का प्रूफ नहीं कर पाई है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कहीं से कहीं तक गलत थी। तो एक बार फिर से अल्हम्दुलिल्लाह ये कंपनी फिर से शुरू होने जा रही है। बहुत सारे लोगों के एक सवालात आते हैं, जैसा कि पिछले दिनों में आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहबा ने अपडेट दिया था, मैंने भी ये चीजें बताई थी आप लोगों को कि वो लोग जो अपने पैसों को वापस चाहते हैं, उन लोगों को पैसे के सेटलमेंट के लिए एक आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहबा ने कहा कि एक वेंचर का इफ्तिताह किया जाएगा, ओपनिंग किया जाएगा और उसके जरिए से लोगों को पैसे दिए जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों का इस ताल्लुक से सवाल ये रहा है कि भाई मेरे तो 85,000 है लोगों के, लोग किसी ने कहा कि मेरे 1,00,000 है, किसी ने कहा मेरे 2,00,000 है, किसी ने कहा 5,00,000 रुपए है, तो मैं उसको क्या करूंगा, उससे कैसे जमीन और जायदाद खरीद सकूंगा। तो तफसीलात के तौर पर पूछने पर यह पता लगा है कि जिनकी अमानतें, जिनके अमाउंट छोटे हैं, वो अपनी रकम के मियाद के हिसाब से जमीनों के प्लॉट्स को अलॉट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो पैसे कम होते हैं तो लोग उन पैसों को मजीद और जो पैसे होते हैं उनको अदा करके उन प्लॉट को अपने कब्जे में ले सकते हैं, अपने तसर्रुफ में ले सकते हैं, अपने घरों को बना सकते हैं, लोगों को फरोख्त भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक चीज ये भी कहते हैं कि हमारे से अगर दूर दराज वो प्लॉट हुए तो हम क्या करेंगे, तो वहां पर आप लोगों के सवाल का जवाब ये है कि जो हीरा ग्रुप का वेंचर और प्रॉपर्टी देने का और रजिस्टर करने का जो रमजान के बाद का मामला बताया गया है, उसमें ये है कि आप लोगों को वाकई में पैसे चाहिए, अभी फिलहाल आप जमीन लेकर के अपने आप को राहत में महसूस कीजिए और ये देखिए कि कंपनी कहीं से कहीं तक आपके पैसे जो है लेने का ख्वाहिशमंद नहीं है, देने का ख्वाहिशमंद है, और उसी के लिए तमाम तरह की कार्रवाइयां, कोशिशें, अदालती मामलात किए जा रहे हैं। वो अगर किसी वजह से नहीं हो पा रहा है तो एक दूसरा तरीका निकाला जा रहा है, दूसरे के बाद तीसरा तरीका निकाला जा रहा है। इस तरह से वो लोग जो ये कहते हैं कि मान लीजिए कि मैं उतने दूर में कोई कस्टमर लाके खड़ा नहीं कर सकूंगा, मेरे पास पैसे ही की जरूरत है, तो ऐसे लोग कंपनी को एक बार फिर से उस प्रॉपर्टी को वापस करके अपने पैसे को वापस कर सकेंगे, आप वापस ले सकेंगे, क्योंकि अभी हालात इस तरह के हैं कि आपको अमानतों की अदायगी कोर्ट कचहरियों की उलझनों की वजह से नहीं दिया जा सकता। सेटलमेंट किया जा रहा है जमीनों में, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से चीजें देख रहे हैं आप कि एक एक करके खुलती जा रही है, तो उस टाइम ऐसा होगा कि बिजनेस कंपनी का एक टारगेट जो है वो उस टाइम और बेहतर से बेहतर हो चुका होगा। तो लिहाजा आप लोगों की या उन लोगों की जिन लोगों की जमीन है उनको वाकई में बेचना ही बेचना है और पैसों ही की जरूरत है, तो एक बार फिर से वो प्लॉट कंपनी को वापस करके उस वक्त की मियाद, उस वक्त के मुकर्रा रकम, यानी कि जो उस वक्त का होगा, यानी कि बढ़ चुका होगा, जाहिर सी बात है कुछ चीजें ऐसी है जो आते दिनों के साथ उनके प्रॉफिट्स, उनकी रकम बढ़ती ही बढ़ती है। तो मिसाल के तौर पर एक शख्स अगर 2 साल तक उन प्लॉट्स को रखता है और फिर से उसके बदले में पैसे लेना चाहता है कंपनी को वापस करके, उस वक्त के रेट और भाव के हिसाब से कंपनी से पैसे ले सकेगा। तो इस तरह से कोशिश कर रही है कंपनी कि हर तरह से आप लोगों के पैसों की अदायगी के लिए इम्कान निकाले जाए, लोगों को राहत पहुंचाया जाए, लोगों को परेशान करने का, लोगों के पैसे रोक करके बदनामी सहने का किसी को कोई ख्वाहिश नहीं है। आप लोगों के नुकसान हो रहे हैं तो कंपनी के भी बहुत बहुत बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं, कंपनी को भी चलना है, कंपनी को भी आगे बढ़ना है, कंपनी को अपने मामलात को तसरुफ में लाना है, उसको सर्कुलेशन में लाना है। आपके अगर 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपए नुकसान हो रहे हैं तो कंपनी के हर रोज के पीछे करोड़ा करोड़ रुपए नुकसान हो रहे हैं। आपसे ज्यादा कंपनी परेशान है कि जल्द अज जल्द लोगों की अदायगियां हो जाए और कंपनी फिर से चलने के लायक हो जाए, ताकि कंपनी के वो जो नुकसान हो रहे हैं लाखों करोड़ों के, उससे बचा जा सके और लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। तो लिहाजा अपडेट के तौर पर जो ये है कि कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज फिर से दोबारा उसी आबोताब के साथ चलने जा रही है, लोगों के इन्वेस्टमेंट लेकर के लोगों के प्रॉफिट लेने की तैयारियों में आ चुकी है। जो लोग इसमें ख्वाहिशमंद है वो लोग अब ज्वाइन हो सकते हैं। 1-2 दिन के अंदर अंदर कंपनी
तमाम तरह के डिक्लेरेशन, तमाम तरह के तफसीलात, तमाम तरह के बैंक अकाउंट अपनी वेबसाइट पर दे देगी इंशाल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।